जितनी मात्रा में जिस विषय को लेके वस्तुतः ये मैं जो है कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग, नहीं मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी नहीं हुई, मुझे ये मिलना चाहिए था नहीं मिला, हाय राम मुझे ये करना चाहिए था मैंने नहीं किया, ये मैं को लेके जो है चिंतन, इस मैं से हम ऊपर उठना चाहते हैं तो उसका जो एक आग्रह दुराग्रह है उसको क्षीण करने का प्रयत्न करते हैं, तब जाके निठल्ले नहीं बैठना है, नपुंसकता में नहीं जाना है और न ही किसी शून्य में, ऐक्य उसी से हो जो मेरा सत्य स्वरूप है, वो प्रयत्न उसको सायुज्य कहते हैं। तो ऐसे सायुज्य पदवी हमें प्राप्त हो, उसमें का रस आने लगे और परस्पर चिंतन करने से, बीच बीच में मिलने से एक विश्वास होने लगता है, हाँ हमें बहुत कुछ मिला है और हम उस पथ पे अग्रसर हो रहे हैं, म्यूचुअली एक इंस्पिरेशन कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है साधक का। नहीं तो फिर कहाँ, स्वामी जी बता रहे थे अभी सत्संग तो बहुत ही दुर्लभ है, संग के नाम पे दुस्संग ही होता है, या तो फिर प्रच्छन्न दुस्संग होता है वो तो और भी खतरनाक है, नई नई कोई विचारधाराएं लाते हैं बस उसी में मुग्ध हो जाएंगे और फिर कई वर्षों के बाद अरे बाप रे कहाँ भटक गए, ऐसी भी भावना आने लगती है। इसीलिए संपर्क रख बने रखें, तब जाके हमें जो प्राप्त हुआ है वस्तुतः सायुज्य पदवी हमें प्राप्त हो रही, ऐसा एक विश्वास होता है। सो बड़े प्रेम से करें।